इन्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो स्वयं राजा हैं और उनका राज्य बहुत दूर का है। अपना उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ तो है नहीं, लेकिन धर्म के प्रति निष्ठा है। कह रहे हैं ना, कुछ बहुत गलत होने जा रहा है, होना नहीं चाहिए, ये अर्जुन बहुत गलत कर रहा है पीछे हट करके, मैं इसे ऐसा करने नहीं दूंगा, जितने उपाय हो सकते हैं सब आजमाऊंगा। अर्जुन का हट और कृष्ण की व्याकुलता, यहां हम देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अधर्म को जीतता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान इत्यादि बोल करके तो आप फिर उनको बहुत दूर का बना देते हैं। भगवान है तो विशिष्ट हैं, ऊंची ऊंची बातें कर ही रहे होंगे, थोड़ा सा ऐसे देखिए कि एक मनुष्य ही है हमारी आपकी तरह, सीखिएगा। नितिन, बात इसकी नहीं है कि हीन भावना से ग्रस्त हो या बड़प्पन का बहुत अहंकार आ गया है, बात यह है कि अपने बारे में सोचते बहुत हो, सोच के साथ बात यह है कि वो सदा किसी परिप्रेक्ष्य में चलती है, तुम किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते बिना किसी पृष्ठभूमि के। देखो, यहां जितनी भी चीजों को देख रहे हो, हर एक के पीछे कोई पृष्ठभूमि है ना? इस पर्दे की ओर देखिए, क्या संभव है पर्दे की ओर देख पाना बिना इसकी सीमाओं को देखे? पर्दे का अर्थ ही है एक सीमित वस्तु, पर्दे का अर्थ ही है पर्दे की सीमाएं, और पर्दे की सीमाएं जहां आई वहां दीवार आ गई। पर्दे को देखा दीवार की पृष्ठभूमि पर, मन के जगत में जो भी चीज उठेगी उसके पीछे जरूर कुछ होगा, वो दिखाई ही सदा पीछे की वस्तु के संदर्भ में देगी। एक को न तुम देख सकते हो न सोच सकते हो, जब भी तुम्हें दिखेंगे दो ही दिखेंगे। इस बात को अच्छे से पकड़ लो। मन में एक नहीं हो सकता, मन की गिनती शुरू दो से होती है। फिर दो के बाद तीन, चार, पांच, अनंत।
शून्यता संभव है मन मिट जाए तो, और द्वैत लाजिमी है अगर मन बना हुआ है तो। एक असंभावना है, एक बिल्कुल असंभव है, अब जो व्यक्ति डरा हुआ है, जो व्यक्ति अपने को लेकर शंकित है, वो अपना विचार करेगा। जब वो अपना विचार कर रहा है तो उसे सोच रहा है मैं किसी एक का विचार कर रहा हूं, उसकी दृष्टि में वो एक वो स्वयं है, वो सोच रहा है मैं अपने बारे में सोच रहा हूं। पर एक के बारे में तो सोचा जा नहीं सकता, एक के पीछे खड़ा होगा सदैव कोई दूसरा। तो एक जब भी तुम्हारे सामने आएगा दूसरे के संदर्भ में आएगा, माने दूसरे की तुलना में आएगा, अपने बारे में जब भी विचार करोगे तुलनात्मक तौर पर ही करोगे। दूसरे की अनुपस्थिति में तुम्हारी कोई उपस्थिति संभव नहीं है। दूसरे को बनाओगे तुम दीवार, नेपथ्य, पृष्ठभूमि, और उसके आगे तुम खड़े हो जाओगे। दो हो गए तो तुलना होगी, तुलना जब भी होगी तो नतीजे में या तो छुटपन आएगा या बड़प्पन आएगा, तो कभी लगेगा छोटे हैं कभी लगेगा बड़े हैं। जब तक ये लगता है कि बड़े हैं तब तक तो फिर भी काम चल जाता है, आदमी कहता है कोई हानि नहीं हम बहुत बड़े हैं। पर बीच बीच में यदा कदा और कई बार हो सकता है लगातार तुम्हें यह भी पता चले कि जो पीछे है तुम्हारे उससे छोटे हो तुम, संयोग की बात है। तो फिर बुरा लगेगा, बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि कोई और है जो तुमसे बड़ा है, बुरा इसलिए भी नहीं लग रहा है कि तुम छोटे हो, बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अपने बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में बड़े चिंतनशील हो, और अपने बारे में जो चिंतनशील होगा उसको इन दो में से किसी एक नतीजे पर बार बार पहुंचना ही पड़ेगा। नतीजे दोनों भ्रामक हैं, नतीजे दोनों हानिप्रद हैं, पर दो में से कोई एक नतीजा तुम्हें मिलता ही रहेगा, तुम उसे ढोते ही रहोगे। कभी लगेगा हम बहुत छोटे हैं, कभी लगेगा हम बहुत बड़े हैं। कोई कहता है मेरा घर बहुत छोटा है, छोटा कैसे है, कैसे छोटा है, तुलनात्मक रूप से ही छोटा है ना। गाड़ी खरीदने जाओ तो वो पूछेंगे छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी, कैसे पता कि जो गाड़ी तुम्हारे सामने है वो स्मॉल कार है, कैसे पता, कैसे पता। और उससे बड़ी होती ही ना हो तो क्या वो उन्नीस सौ नब्बे में जिनके पास मारुति 800